Today we are going to discuss about the solar energy. Solar energy is one of the very important renewable energies, that is continuous energy which we receive from the sun. So usually from the sun we receive solar energy in the various forms, like ultraviolet radiation, then visible light. You can see from the spectrum. This is the ultraviolet radiation. The energy of ultraviolet radiation is high because its wavelength is less. Then, when we proceed and increase the wavelength, we have our visible light that we also call photosynthetically active radiation. Basically, the radiations which are very important for the photosynthesis in this range from 0.4 to 0.7 micrometer wavelength. Or 400 to 700 nanometers wavelength. So later on in spectrum, we have near infrared radiations, and for infrared radiations, that wavelength is from 0.7 micrometers to 1.5 micrometers. तो ये जो तीन जो स्पेक्ट्रम्स में बताया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड, बेसिकली तो दीज थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस शेयर द मेजर पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम विच वी रिसीव फ्रॉम द सन. तो उसके अलावा और भी रेडिएशंस आती है, जैसे माइक्रोवेव. उसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, मीटर्स में होती है. तो उस वहाँ हमें जाना नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट इफ वी आर गोइंग टू हार्नेस द सोलर एनर्जी वी विल बी डिस्कसिंग विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन. तो यहाँ पे भी टेक्स्ट में मैंने मेंशन किया है, जो हमें इसको कहते हैं सोलर स्पेक्ट्रम, सोलर रेडिएशन का स्पेक्ट्रम, किस किस रेंज में हमें जो है एनर्जी मिलती है. तो यहाँ पे तकरीबन जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये दो मिला के इट्स अराउंड 47 to 49% ऑफ द रेडिएशन जो सन से आती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन. तो इंफ्रारेड रेडिएशन वो रेडिएशन होती है, दे आर हीट रेडिएशंस बेसिकली, जो हम महसूस करते हैं जब हम धूप में बैठते हैं, तो हम जो महसूस करते हैं गर्मी, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशंस. तो जो लाइट हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड विजिबल लाइट, जिसको हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस भी बोलते हैं. तो उसका जो शेयर होता है तकरीबन 44 42 to 44% होता है ऑफ जो सोलर स्पेक्ट्रम है. एंड जो अदर अल्ट्रावाइल्ट रेडिएशन है, दैट इज 7 to 8%, जो बेसिकली हायर एलिवेशंस पे अल्ट्रावाइल्ट रेडिएशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ पे पोल्यूशन लेवल कम होती है, तो उसकी स्कैटरिंग कम होती है. जैसे आप लद्दाख में जाओगे, लेह में जाओगे, दैट यू हैव टू वियर सन ग्लासेस और गॉगल्स, बहुत ही कंपल्सरी, अदरवाइज योर आईज कुड बी डैमेज बिकॉज ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर विजुअली ज्यादा भी हो जाती है, देन इट इनिशिएट स्किन कैंसर, आई डैमेज, हेयर ग्रेइंग होता है, कलर चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. बट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, बिकॉज इट इनिशिएट्स द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी. जो हमारी स्किन पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिरती है, तो उसकी वजह से विटामिन डी बनता है. तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी इन द स्किन. तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सी जो है, दैट इज कैप्चर्ड बाय द ओजोन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ जो स्ट्रेटोस्फियर में है, हमने डिस्कस किया है. तो एट द एलिवेशन ऑफ ऑन एन एवरेज 25 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. तो ये जो स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम में हम जो सोलर रेडिएशन को यूज करते हैं, हार्नेस करते हैं बाय वेरियस मेथड्स, दैट इज मेनली इन विजिबल पोर्शन एंड इंफ्रारेड पोर्शन. ये जो दो पोर्शन है, तो ये दो पोर्शन ऑन एन एवरेज 88% ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम इसमें होता है. सोलर स्पेक्ट्रम जो होता है, उसमें 88% ऑफ द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन. सो सोलर एनर्जी को हम थर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसके अलग अलग अपैरेटस है, कैसे इसको इन द फॉर्म ऑफ हीट,
या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट किया जाए, तो इट इज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो सन से एनर्जी आती है, हमें कुछ नहीं करना है कि सोलर पैनल्स जो यहाँ पे है ये से खड़े करने होते हैं। दे आर कनेक्टेड विद द बैटरीज एंड देन बैटरीज चार्ज हो जाती है एंड देन वी कैन यूज़ इन्वर्टर्स, सोलर इन्वर्टर्स यूज़ करते हैं। तो आजकल जितने भी इन्वर्टर्स घर में होते हैं, दे आर इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड इन द सेंस कि आप उससे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है बाहर से, वो उससे भी आप जो है बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो कनेक्ट योर सोलर पैनल्स उसके साथ, तो उससे जो है बैटरीज फ्रॉम सोलर पैनल से भी चार्ज हो सकती है, एंड फ्रॉम जो हमें अर्बन लोकल जो भी हमारे जो पावर सप्लाई जैसे पीडीडी डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे भी चार्ज कर सकते हो। तो मीन्स द इन्वर्टर्स कम इन इंटीग्रेटेड फॉर्म, तो हमें सेपरेट काइंड ऑफ इन्वर्टर्स नहीं लगाने पड़ेंगे फॉर चार्जिंग द बैटरीज। सो जो मैं कह रहा था, सोलर एनर्जी वन ऑफ द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है। हालांकि जो सोलर पैनल जब हम बनाते हैं उस टाइम इंडस्ट्रियल लेवल पे शायद कुछ पोल्यूटेंट्स क्रिएट होते होंगे, कुछ वेस्ट जनरेशन होती होगी, बट एज कंपेयर टू अदर सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट। इट हैज़ नो काइंड ऑफ जीरो जो एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, बट इसमें एक ही ड्रॉबैक है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इट नीड्स लॉट ऑफ एरिया, जो सोलर पैनल जब जहाँ हमें लगानी होती है, दैट एरिया शुड बी वेरी लार्ज, तो जहाँ पे वो कैप्चर होगी। तो इसमें बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर काइंड ऑफ इंटीरियर्स में भी हम लगाते हैं, जैसे कॉलेज लेवल पे भी पोल्स वगैरह जो है, स्टैंडिंग पोस्टर्स जो होते हैं ना, जो लाइट लाइटिंग के लिए यूज़ होते हैं, उसमें भी इंटीग्रेटेड एक सोलर पैनल होता है छोटा सा, दिन में वो बैटरी चार्ज करता है। देन तो ये इंटीरियर एनवायरनमेंट में भी हम लगा सकते हैं फॉर क्रिएटिंग इकोलॉजिकली सेंसिटिव, इकोलॉजिकली फ्रेंडली और इको फ्रेंडली काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसके अलावा हीटिंग ऑफ वाटर इन डोमेस्टिक लेवल, कमर्शियल लेवल और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी जो हम जो है हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं सोलर एनर्जी। तो नॉर्मली जो सोलर टेक्नोलॉजीज होती है, जो आपने भी देखा है या मैंने भी देखा होगा, जो सोलर एनर्जी है दैट इज़ कन्वर्टेड बाय द सोलर पैनल जो हमारे रूफ टॉप्स पे लगे होते हैं, दैट इज़ कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रिसिटी जो मैं कह रहा था, देन दैट एनर्जी इज़ स्टोर्ड इन बैटरीज। तो बैटरी से फिर वो बाहर आती है एंड देन वी यूज़ दैट इज इट एज एन इलेक्ट्रिसिटी, और जो हमें हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जो कम लेते हैं, जैसे डायोड ये लगाते हैं हम, एलईडीज वगैरह लगाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम लेते हैं, तो वो सब हम अपैरेटस इस पे लगा सकते हैं। तो नॉर्मली जो तीन वेज में हम जो है सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज़ फोटोवोल्टेक्स जो बेसिकली सोलर पैनल्स में यूज़ होते हैं, देन सोलर हीटिंग एंड कूलिंग बेसिकली जो बिल्डिंग्स में अपैरेटस लगाते हैं, जिससे काइंड ऑफ सोलर एसीज जिसको हम बोलेंगे, विंटर्स में वो हीट करता है बिल्डिंग्स को एंड समर्स में वो कूल रखता है। आई हैव सीन सच काइंड ऑफ बिल्डिंग्स बेसिकली इन गुड़गांव, गुरुग्राम जिसको नाम रखा गुरुग्राम, तो वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई है उस टाइप की, जो बेसिकली सोलर पावर्ड हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम पे चलती है। देन अनदर फॉर्म जिससे हम जिसको हम कंसंट्रेटिंग सोलर पावर कहते हैं, एंड वी विल बी डिस्कसिंग वो क्या होता है। तो नॉर्मली इन तीन चीज़ों से हम जो है सोलर एनर्जी को हार्नेस करते हैं। तो नॉर्मली जो आपके बुक्स में है, तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसका जो हम फायदा ले सकते हैं सोलर एनर्जी, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो फोटोवोल्टेक्स क्या होते हैं, जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जो फोटॉन्स होते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम जो लाइट का होता है, 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर जो वेवलेंथ है, उसमें जो एनर्जी होती है जब वो सोलर पैनल पे गिरती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इनिशिएट होते हैं, तो वो करंट बनाता है। तो फिर हम आपका छोटे से छोटे, मतलब आपने भी देखा होगा, आपके पास भी एक छोटा सा सोलर पैनल होता है, जैसे कैलकुलेटर्स यूज़ करते हैं उसमें भी एक छोटा सा पैनल लगा होता है, तो उसमें बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको लाइट में रखोगे तो वो
आप यूज़ कर सकते हैं। डार्क में भी उसमें बैटरीज वगैरह शायद चार्ज होती है, बैटरी ऑपरेटेड भी होता है, बट लाइट में वो जो है सोलर लाइट यूज़ करता है, जो डिफ्यूज लाइट होती है कमरे में। ज़रूरी नहीं है कि हमको धूप में जाना है। तो छोटी छोटी से छोटी चीज़ जैसे कैलकुलेटर से बड़ी चीज़ जो हमारे कमर्शियल बिजनेसेस तक भी हम जो है सोलर फोटोवोल्टेक्स का यूज़ करते हैं। तो आपके कैलकुलेटर में जो छोटी सी चिप जैसी लगी होती है ऊपर, वो भी एक सोलर पैनल जैसा ही है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जिससे आपका कैलकुलेटर चलता है। तो उसके अलावा सोलर हीटिंग एंड कूलिंग या कंसंट्रेट, इसमें क्या होता है बेसिकली सोलर एनर्जी को कंसंट्रेट किया जाता है बाय वेरियस मिरर काइंड ऑफ थिंग्स, एंड देन वहां से पानी को जो है उबाला जाता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स में होता है, वहां से स्टीम जनरेशन होती है, देन टर्बाइन जो है चलता है, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। कूलिंग एंड हीटिंग से जो है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ कूलिंग एंड हीटिंग, उससे जो एयर फ्लो होता है, ब्लोअर्स चलते हैं, वहाँ से हम किसी भी घर में या कमरे में हीटिंग एंड कूलिंग का देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो सोलर फोटोवोल्टेक की अगर हम बात करें, तो बेसिकली इस ये जो यहाँ पे पैनल लगे होते हैं, इसको सोलर फोटोवोल्टेक बोलते हैं। इसमें बेसिकली जो गेट्स ये अपना नाम जो इसका आया है फ्रॉम द फोटॉन, फोटॉन होता है लाइट का एक यूनिट होता है जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो दोनों को मिला के इसको फोटोवोल्टेक इफेक्ट बोलते हैं। बेसिकली ये जो फिनोमेनन 1954 में साइंटिस्ट ने कुछ बेल लेबोरेटरी में जनरेट किया, ये जो आइडेंटिफाई किया था, तो उससे जो सिलिकॉन जो चिप्स वगैरह होती है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, वहाँ पे उनका जो होता है एक थ्रेश होल्ड होता है, जब उतना वहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा फोटॉन्स का, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, तो वहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो नॉर्मली जो फोटोवोल्टेक होता है तो इस टाइप का होता है, फोटोवोल्टेक एरे जो सेल्स इसमें होती है, तो जब सन की एनर्जी गिरती है यहाँ पे, तो फिर ये करंट होती है इन द फॉर्म ऑफ डीसी, डायरेक्ट करंट, तो फिर इन्वर्टर से ये ऑल्टरनेटिव करंट में जो है चेंज होती है। तो यूजुअली जो ऑल्टरनेटिव करंट है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में यूज़ होती है फॉर जनरल अप्लायंसेस, हम घर में यूज़ करते हैं। डीसी करंट सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में शायद यूज़ होती है, और जो हम भी कोई भी सेल वगैरह लगाते हैं क्लॉक में, वो जो करंट प्रोड्यूस करता है उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो वो बहुत ही उसमें वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा होता है, एंड तो ये करंट को फिर इन्वर्टर से कन्वर्ट करते हैं इन एसी। तो यहाँ पे बैटरीज भी लगी होती है, बेसिकली बैटरी में ये जो है सेव हो जाती है एनर्जी, इन्वर्टर फिर इन्वर्टर से ऑल्टरनेटिव करंट में यूज़ करते हैं, देन वी यूज़ फॉर टू हाई एफिशिएंसी अप्लायंसेस वगैरह में यूज़ करते हैं। तो कौन से अप्लायंसेस, जैसे डीसी से फिर ये जो इन्वर्टर होता है, या तो ग्रिड में हम ये कैसे ग्रिड में भेजेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड कंसेप्ट होता है, या हमारे घर में अप्लायंसेस होते हैं जो इन्वर्टर पे चलते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे मोबाइल फोन्स को चार्ज करना हो, चाहे हमारे एलईडी हो, वॉशिंग मशीन भी चल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी। तो कुछ हम अपने जो बैटरीज वगैरह को भी चार्ज करते हैं। तो फोटोवोल्टेक का यहाँ पे यूज़ है कि हम जितने भी अप्लायंसेस है जो पावर पे चलते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं बाय द सोलर फोटोवोल्टेक। यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बेसिकली सेव होती है इन द बैटरीज, एंड देन वी कैन यूज़ दैट एनर्जी इन होम अप्लायंसेस, या कोई भी ऐसा जो पोस्ट, स्टैंडिंग पोस्ट होता है जैसे लाइटिंग वगैरह के लिए, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देन उसके अलावा सोलर कूलिंग एंड हीटिंग क्या होता है, बेसिकली सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाता है फॉर हीटिंग द वाटर, या किसी भी जगह को कूल रखना या हीट अप करना, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो। तो इसमें भी क्या होता है, बेसिकली एक बॉक्स जैसा होता है, दैट इज़ बेसिकली ब्लैक कलर्ड, उसमें छोटी छोटी पाइप्स होती है जहाँ से ठंडा पानी अंदर जाता है, तो ब्लैक कलर से जो है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ब्लैक कलर जो होता है एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। तो उसमें जो सोलर एनर्जी को कंसंट्रेट किया जाता है बाय काइंड ऑफ मटेरियल, तो
उससे जो होता है टेम्परेचर जो वाटर का है इंक्रीज हो जाता है अप टू 60 और 65 डिग्री सेल्सियस। तो ये हॉट वाटर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर जो है अपने डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पस, मतलब नहाने कपड़े धोने वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वी कैन यूज़ दैट हॉट वाटर फॉर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। जब हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे लगे होते हैं छोटे से वो बेड में फैंस जैसे, वहाँ से हीट निकलती है, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जैसे सनलाइट हिट्स डार्क मटेरियल इनसाइड कलेक्टर, डार्क मटेरियल में कलेक्ट होता है तो ये हीट अप हो जाता है। तो इसमें जो फ्लूड होता है सर्कुलेशन में, वाटर बेसिकली जो होता है ये हीट अप हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस, ये जो मटेरियल होता है ये जो हीट अप हो जाता है। तो यही फिर रन करते हैं डिफरेंट सिस्टम्स में, तो वो हीटअप करने के लिए। तो अगर कोई भी हमारे घर में कैसे सेंट्रल कूलिंग एंड हीटिंग करनी होगी बिकॉज ऑफ द सन, तो यहाँ पे सन की एनर्जी जब गिरती है सोलर कलेक्टर्स पे, सोलर कलेक्टर बेसिकली यही होता है ये वाला पोर्शन, तो इस पे जब एनर्जी गिरती है नीचे से ठंडा पानी आता है ऊपर से गर्म पानी निकलता है, देन दिस वाटर इज स्टोर्ड इन दिस टैंक। तो यहाँ से जो पानी निकलता है पंप के जरिए, तो छोटी छोटी पाइप से उसको निकाला जाता है, तो वहाँ से एक ब्लोअर से हवा फेंकी जाती है, तो उस ब्लोअर से जो हवा निकलती है वो जो इन पाइप से टकराती है वो गर्म हो जाती है, तो पूरे रूम को फिर ये गर्म कर देती है वो गर्म हवा। तो उसके अलावा ये पानी हम अदर जो हमारे डेली यूजेस होंगी, चाहे वो इन घर में होगी या कमर्शियल, कमर्शियल मीन्स होटल्स वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं, या इंडस्ट्रियल। एक हरियाणा में एक बड़ा प्लांट है फॉर डिस्टिलरी काइंड ऑफ प्लांट, उसमें भी वो यूज़ कर रहे हैं दिस डेली जनरेशन अराउंड 10,000 लीटर्स ऑफ हॉट वाटर बाय द सोलर वाटर हीटर्स। तो उसके अलावा प्रेशर डिफरेंस से जो है कूलिंग भी कर सकते हैं। वो बेसिकली जो ठंडा पानी जो ठंडा एयर होता है वो सेटल डाउन हो जाता है और गर्म बाहर निकलता है। वो बेसिकली जो किसी भी बिल्डिंग का आर्किटेक्ट होता है और उसको इंटीग्रेट किया जाता है बेसिकली, ये जो सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम होता है उसके साथ इंटीग्रेट किया जाता है, तब जाके वो पूरा फंक्शन करता है। तो ये जो पोर्शन है ये विद इन बिल्डिंग में होगा, जब तक ये नहीं होगा तो ये पूरा काम नहीं करेगा, तब तक इसका एक ही काम है पानी को गर्म करना। तो इससे भी हम आगे जाके किसी भी रूम को गर्म कर सकते हैं या ठंडा कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस जो पानी का होता है। तो उसके अलावा थर्ड जो इसकी मेन एप्लीकेशन है दैट इज कंसेंट्रेटिंग सोलर पावर। बेसिकली क्या होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं जो स्केच में एक बड़ा टावर होता है जिसमें एक टैंक होती है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आई थिंक जो थर्ड वाला जो एप्लीकेशन है कैसे हम सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द एनर्जी बेसिकली, तो ये एक कंसेप्ट है ऑन लार्ज स्केल कैसे हम एक थर्मल पावर प्लांट में जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं फॉर हीटिंग अप द वाटर फॉर जनरेटिंग द स्टीम, उसको कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय द सोलर एनर्जी। जो भी हम सोलर पैनल्स घर में यूज़ करते हैं दैट इज़ फॉर ओवर पर्सनल जो इंडिविजुअल लेवल पे किसी हाउस होल्ड लेवल पे हम जनरेट करते हैं, या किसी भी बिल्डिंग में वो यूज़ करते हैं सोलर पैनल्स, या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में उनके लोकल नीड्स होते हैं उसमें। बट अगर हम एक ग्रिड की तरह सोचे जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है या थर्मल पावर प्लांट है, उसको कैसे हम सोलर एनर्जी को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी मिरर्स से है जो हम बचपन में जो टक्कर लगाते थे ना मिरर्स से, तो वहाँ से वो जो सोलर एनर्जी को हम फोकस करते हैं एक जगह जहाँ पे पूरा जो है वाटर जो होता है बॉयल हो जाता है बिकॉज एक जगह जो हम कंसंट्रेट करेंगे, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास से पूरा जो उसका सर्कल का जो जितनी उस सर्कल पे एनर्जी गिरती है एक पॉइंट पे एक डॉट पे कंसंट्रेट हो जाती है, तो वो जो कागज़ है या घास है वो जल जाती है। वैसे यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, जो भी सोलर एनर्जी इन सब पे गिरेगी जो यहाँ पे मिरर्स वगैरह लगाए आप देख सकते हैं, तो इन मिरर्स पे जितनी एनर्जी गिरेगी वो एक जगह कंसंट्रेट हो जाती है इस टावर पे। इस टावर में पानी होता है जो उबलता है इस एनर्जी से,
वहां से जो स्टीम जनरेट होती है, उस स्टीम को एक प्रेशर से फिर टर्बाइन्स पे छोड़ा जाता है, जो टर्बाइन रन होता है, तो फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो बेसिकली हर किसी किसी भी पावर प्लांट, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट हो या थर्मल पावर प्लांट, उसका प्रिंसिपल है यही कि जब टर्बाइन रन होता है। अब ये टर्बाइन कैसे रन करना है हमें, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो। जैसे हाइड्रो पावर में सोर्स ऑफ एनर्जी वाटर होता है, ऊपर से पूरा जो पानी गिरता है नीचे टर्बाइन्स पे, तो वहाँ से जो टर्बाइन चलता है वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वैसे ही कोल में हम क्या करते हैं, पानी को उबालते हैं, वहाँ से स्टीम प्रोड्यूस होती है, स्टीम से हम करते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटिंग सोलर पावर प्लांट्स में क्या करते हैं, एक टैंक होती है जिसपे हम कंसंट्रेट करते हैं पूरी सोलर एनर्जी, जो वहाँ से पानी बॉयल हो जाता है, तो वहाँ से स्टीम जो प्रोड्यूस होती है, दैट स्टीम वही जो है हम उसे टर्बाइन रन करते हैं। तो फिर वहाँ से जो स्टीम या पानी फिर कंडेंस हो जाती है, उसको हम रीहीट के लिए फिर से यहाँ पे भेजते हैं बाय पंप्स वगैरह जो भी है उसको यूज़ करते हैं। तो ये अभी इवॉल्विंग कंसेप्ट है, यहाँ पे उतना इस पे काम नहीं हुआ, बट जितनी भी लोकेशन से इस पे काम हो रहा है, एक इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ जो है पावर प्लांट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी थर्मल पावर प्लांट हो, तो वहाँ पे खाली कोल से पानी को गर्म नहीं किया जाएगा, वहाँ पे सोलर से भी किया जाएगा, वहाँ पे न्यूक्लियर जो एनर्जी है वहाँ से भी, उससे भी किया जाएगा। उसके अलावा वहाँ पे विंड मिल्स भी लगी होंगी, वहाँ पे एक हम आगे जब पूरी जो जो एनर्जी वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा एक इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स का, एक कैसे हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं एक सस्टेनेबल मैनर में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें एक ही ड्रॉबैक है, इसमें बहुत सारा स्पेस चाहिए, बिकॉज जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी जो हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, उतना हम ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं। तो अब इससे पहले मैंने आपको एक ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड कंसेप्ट बोला था। ऑन ऑफ ग्रिड यूजुअली जो हम घर में सोलर पैनल लगाते हैं, फिर वो एनर्जी सेव हो जाती है इन बैटरीज, फिर एसीज वगैरह कन्वर्टर्स लगाते हैं हम, जैसे इन्वर्टर्स लगाते हैं, उसको हम घर में यूज़ करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जो हम नॉर्मली घर में हम जो ये पैनल्स लगाते हैं। बट इन डेवलपिंग कंट्रीज देर इज ऑन ग्रिड कंसेप्ट। अगर आप सोलर पैनल्स घर में लगाते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फॉर एग्जांपल आप उतनी एनर्जी, फॉर एग्जांपल अपनी जो नीड है उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो एक्सेस एनर्जी है वो आपको ग्रिड को भेजते हैं, जहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी आती है आप उसको वापस भेजते हैं। तो उससे क्या होता है, जितनी जितनी आप एनर्जी ग्रिड को वापस भेजेंगे, वो आपकी जो बिल्स है जो डिडक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आपकी बिल कम आ जाएगी। मीन्स यही ऑन ग्रिड कंसेप्ट है। अगर आपको ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत है तो आप ग्रिड से लेंगे, अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं बाय सोलर एनर्जी तो आप ग्रिड को वापस करते हैं। तो इसमें बेसिकली जो लाइंस वगैरह जो है पावर लाइन उसी टाइप की होगी। तो ये भी जो है फ्यूचर एक है इंडियन सिनेरियो में, बहुत ही इसका ज़्यादा स्कोप है, बिकॉज यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऑन ग्रिड कंसेप्ट जो एक इंडिविजुअल, बेसिकली यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हम एक ही जगह जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एंड देन वही जो है डिसेंट्रलाइज करते हैं, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम डिफरेंट जगह से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हर किसी घर में सोलर पैनल लगाया तो बहुत ही एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, फिर वो ग्रिड को भी भेजते हैं थोड़ी बहुत, अगर उनकी अपनी नीड से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है फॉर एग्जाम्पल। तो इसको ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड कंसेप्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो सोलर एनर्जी की है, दैट इज सोलर कुकर। तो बेसिकली सोलर कुकर एक डिवाइस होता है जिससे हम जो है खाना वगैरह बना सकते हैं, उसको उबाल सकते हैं, उसको कुक कर सकते हैं। तो एक टिपिकल काइंड ऑफ सोलर कुकर इस टाइप का होता है, एक संदूक जैसा होता है, स्क्वायर शेप्ड। तो बेसिकली अंदर से पूरा ब्लैक कलर का होता है, ऊपर एक मिरर होता है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ जो ग्लास होता है, मिरर नहीं होता है, ग्लास होता है, तो यहाँ पे मिरर होता है, रिफ्लेक्टर जिसको बोलते हैं, जिसपे सोलर एनर्जी गिरेगी वो यहाँ कंसंट्रेट हो जाएगी। तो फिर इसको एडजस्ट उसी के हिसाब से किया जाता है, जैसे कहाँ से एनर्जी आ रही है, कहाँ से सोलर एनर्जी आ रही है, तो उसको वैसे ही एडजस्ट किया जाता है, ताकि ये जो यहाँ पे एनर्जी गिरेगी वो यहाँ पे फिर रिफ्लेक्ट करें।
अंदर कोई बर्तन रखा जाता है जो भी, वो भी ब्लैक कलर का होता है मेटालिक, उसमें हम पानी वगैरह रखते हैं, चावल रखते हैं। तो कुछ टाइम के बाद वहाँ उसका टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो उससे जो होता है वो पक जाता है। तो हमने भी एक प्रैक्टिकल किया था अपने टाइम पे, तो हमने चने उबाले थे उस टाइम, तो तकरीबन 2 घंटे लगे थे उसमें। इसमें टाइम लगता है बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी सोलर इंटेंसिटी कितनी है, देन जो विंटर है कि समर है, सोलर इंसुलेशन पे भी डिपेंड करता है। तो बाहर से जो है ये वुडन बॉडी होती है, तो बेसिकली इसके जो है हाइट भी होती है तकरीबन 1 मीटर के आसपास। तो इससे हम कुक कर सकते हैं। तो इसकी सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है वहाँ, उस जगह जहाँ पे सोलर इंसुलेशन ज़्यादा होती है, जैसे लद्दाख में, वहाँ पे एयर में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, तो वहाँ पे ये इसकी एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी है, वहाँ पे कुक कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो है केस स्टडीज़ है, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू इन गूगल क्लास, कि उसमें बहुत सारी जगह जो सोलर कुकर्स है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिविजुअल लेवल, घर के लेवल पे भी हम कर सकते हैं, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, उसके अलावा सोलर डिस्टिलेशन, सोलर डिस्टिलेशन बेसिकली उन लोकेशंस पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें प्योर वाटर, जो पोटेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसमें क्या होता है, जो साल्ट वाटर होता है, समंदर का पानी, उसको उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, तो वहाँ से जो भाप उठती है, वेपोराइज होती है, वाटर वाटर वेपोराइज होता है, उसको कंडेंस करते हैं, और कंडेंसड वाटर को जो है हम स्टोर करते हैं इन फॉर फर्दर यूज़। तो यहाँ पे जैसे इम्प्योर वाटर है या साल्ट वाटर है, नीचे हमें इंसुलेशन हमने रखी ताकि ये नीचे ना चला जाए, तो और जो भी इसमें हीट आ जाएगी तो वो नीचे डिसिपेट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे एक साइड इसको हाइट ज़्यादा रखी है, एक साइड कम रखी, ताकि ये थोड़ा सा स्लाइडिंग में रहे, ताकि जहाँ जब भी यहाँ पे वाटर वेपर बन जाए तो वो स्लाइड डाउन हो जाए नीचे, यहाँ पे स्टोर हो जाए, फिर पाइप के ज़रिए हम उसको कलेक्ट करते हैं कंटेनर्स में। तो सोलर एनर्जी जब गिरती है तो ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। तो गिलास जो होता है, इनसाइड जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन को अलाउ करता है, बट बाहर नहीं छोड़ता है इसको, बिकॉज उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो यही ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो है मैकेनिज्म है, तो उसकी वजह से तो यहाँ इस पोर्शन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो ये पानी वेपराइज हो जाता है। तो वेपराइज होकर जब इसके साथ स्ट्राइक करता है तो वो फिर जो है कंडेंस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, एंड देन उसको स्टोर कर, इसी को सोलर डिस्टिलेशन कहते हैं। तो इसका यूज़ बेसिकली उन लोकेशंस पे है जहाँ पे साल्ट वाटर कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, या फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी कम है यहाँ पे, या जहाँ पे गंदा पानी है और फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो ये भी एक इसकी एप्लीकेशन है। देन अनदर एप्लीकेशन जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि सोलर वाटर, अक्सर आपने देखा होगा घरों के छत पे ये लगा होता है सोलर वाटर हीटर। तो इसमें ये जो छोटी पाइप्स होती है ये बेसिकली ब्लैक कलर की होती है, जब इस पे एनर्जी गिरती है, सोलर एनर्जी, ये हीट अप हो जाता है, तो वो पानी फिर जो है गर्म हो जाता है। तो ये यहाँ पे ठंडे पानी की सप्लाई होती है, तो यहाँ से गर्म पानी बाहर निकलता है, तो एक एयर वेंट होता है फॉर प्रेशर, जो भी हवा वगैरह होती है वहाँ से बाहर निकलती है। तो सिंपल मैकेनिज्म, उतना भी वो नहीं है डिफिकल्ट समझना। तो यहाँ से ठंडा पानी आ जाता है, देन ये इसमें पाइप्स में चला जाता है, तो यहाँ पे गर्म होके फिर यहाँ से बाहर निकलता है। ये बेसिकली जिगजैग का टाइप ऑफ पाइप्स होती है, ताकि इनको ज़्यादा टाइम मिलेगा इनमें जो है ट्रैवल करने में, वो उस दौरान ये हीट अप हो जाता है। तो इसका टेम्परेचर तकरीबन 60-65 डिग्री तक इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो है 100, तो हम इसको फॉर बेथिंग वगैरह या वॉशिंग क्लोथ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जो इंडिया में क्या सिनेरियो है सोलर एनर्जी का, तो इंडिया में जो तकरीबन सोलर एनर्जी का जो है तकरीबन 1 साल में या 1 दिन में, 1 साल में तकरीबन 5,000 ट्रिलियन किलोवाट आवर एनर्जी रिसीव होती है फ्रॉम सन, जो इंडिया का जो सरफेस एरिया है। तो ऑन एन एवरेज तकरीबन 4 to 7 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर डे, 1 दिन में 1 स्क्वायर मीटर में तकरीबन 4 से 7 किलोवाट आवर एनर्जी आ जाती है सन से ऑन द लैंड ऑफ
इंडिया जो भी, ये तो एवरेज है, किसी जगह कम होगी डिपेंडिंग अपॉन सोलर इंसुलेशन, क्लाउड कवर क्या है, इम्प्योरिटी हवा में कितनी है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो है उन्होंने असेस किया, जो पोटेंशियल है तकरीबन 748 GW जो है एनर्जी हम जो है हार्नेस कर सकते हैं फ्रॉम द सन। तो उसमें थोड़ा सा वेस्टेज भी है, कुछ कुछ पोर्शंस में 3% वेस्टेज लेके कुछ जो सोलर पावर मॉड्यूल्स है उससे एरिया कवर हो जाता है। तो उसके अलावा नेशनल मिशन ऑन सोलर मिशन जो है लॉन्च हुआ था 2010 में, तो ये तकरीबन 8 मिशन है, 8 मिशन में एक मिशन सोलर मिशन भी था। तो इसमें जो है एक्टिवली पार्टिसिपेशन करनी है डिफरेंट स्टेट्स को, अपनी अपनी जो है कैपेसिटी के हिसाब से सोलर प्रोग्राम्स इनिशिएट करने हैं, ताकि सस्टेनेबली जो भी है, जो आपके कैंपस में सोलर पैनल्स लगे हैं वो भी, दैट वाज इज अ प्रोग्राम, वन ऑफ द प्रोग्राम अंडर द सोलर मिशन। तो उसमें जितने भी कैंपसेस हैं उनको ग्रीन कैंपस बनाना। तो यहाँ पे फोटो वोल्टिक पावर पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा है, जैसे आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं रेड कलर का, तो यहाँ पे सोलर इंसुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज ये इसकी जो हाइट है बहुत ऊपर है, जो तिब्बतियन प्लेचू है और ये लद्दाख वाला थोड़ा पोर्शन है, तो ये रेड कलर का, इसमें सोलर इंसुलेशन जो पावर यहाँ पे लिखा ना किलोवाट आवर, तो इस बहुत ही ज़्यादा है। तो रेस्ट ऑफ द इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें ऑन एवरेज है। तो जैसे यहाँ पे फिर पाकिस्तान का कुछ पोर्शन है, देन सऊदी अरबिया, देन दिस गल्फ कंट्रीज, इसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। और यहाँ पे ये इक्वेडार चिली जो है कंट्रीज है, इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, बेसिकली इनकी एलिवेशंस बहुत ज़्यादा है। तो अब आप ये कहोगे कि इक्वेटर के आसपास क्यों नहीं है, वहाँ पे तो बहुत ही नज़दीक होता है सन के, बिकॉज ये जो पोर्शन है इसमें क्लाउड कवर ज़्यादा होता है, इसमें रेन्स अक्सर हो जाती है। उसके अलावा ये वाला पोर्शन पोलर पोर्शन, पोलर एरिया जो पोर्शन है, तो यहाँ पे बहुत ही कम सोलर इंसुलेशन है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी हार्नेसिंग द फोटो थ्रू फोटो वोल्ट है, इट इज़ वेरी लेस। तो इसमें अब तिब्बतियन प्लेट्यू है एंड देन लद्दाख का पोर्शन है, तो यहाँ पे राजस्थान का भी पोर्शन है, बिकॉज राजस्थान में भी जो है सोलर इंसुलेशन अच्छी खासी होती है। तो अब मिशन जो इंडिया का है 21-22 में, तकरीबन टोटल रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें जो सोलर भी आता है, तकरीबन 36.5% जो एनर्जी आती है फ्रॉम दैट, बट ये इंक्रीज होगी अप टू 27, ये 40 2027 में इंक्रीज होगी अप टू 44.4। इसमें जो है प्रोजेक्टेड फिगर है, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकती है, आसपास हो सकती है। उसके अलावा इस दौरान जो हमारे अदर फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी कंजप्शन डिक्रीज होगी, और हाइड्रो पावर तो तकरीबन सेम ही होगा, और जैसे न्यूक्लियर इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा सा, एंड गैस भी तकरीबन डिक्रीज हो जाएगा। अब हाइड्रो पावर जो है इसमें क्यों ज़्यादा जो है चेंजेस नहीं आएगी, ये डिक्रीज क्यों होगा? तो हम तो बोल रहे हैं कि हाइड्रो पावर जो है मोर जो है उसमें ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, बट हाइड्रो पावर इज़ वेरी कॉस्टली। एक डैम को बनाने में जो है कितनी इकोनॉमी जो कितना पैसा लगता है, दैट इज़ वेरी हाई। उसके अलावा उसके कुछ एनवायरमेंटल जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है, बिकॉज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट, उसमें राइबेरियन एरियाज में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके अलावा इसमें जो रिवर कोर्सेज वगैरह वो चेंज हो जाते हैं। तो जितनी भी कंपनीज है जो इन्वेस्ट करती हैं इन एनर्जी सेक्टर, दे आर वेरी रिलेक्टेंट टू इन्वेस्ट इन हाइड्रो पावर्स। तो वो ज़्यादा कोल जनरेटेड पावर या हाइड्रो पावर या सोलर एनर्जी वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडिया का भी कुछ टारगेट है तकरीबन 100 GW बाई 2022। तो उसमें डिफरेंट स्कीम्स वगैरह जो है इनिशिएट की गई, जैसे सोलर पावर स्पार्क स्कीम, और भी बहुत सारी स्कीम्स है, सेंट्रल बैंक सेंट्रल कैनाल टॉप स्कीम। सो ये बेसिकली जितनी भी कैनाल्स होंगी ना उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगाते हैं, ताकि एक दो वाटर भी ज़ाया नहीं होगा, उसकी चोरी कम हो जाएगी, इवापोरेशन भी कम हो जाएगा, एंड सोलर एनर्जी भी क्रिएट होगी। फिर सोलर रूफ टॉप इसमें सब्सिडी पे देते हैं वो सोलर रूफ टॉप्स, जिससे आप एनर्जी जो है
क्रिएट कर सकते हैं। तो रिसेंटली इंडिया अचीव्ड फिफ्थ ग्लोबल पोजीशन इन सोलर पावर डिप्लॉयमेंट, तो इटली को सरपास किया है। तो मीन्स इंडिया इज़ वेरी फोकस्ड इन सोलर पावर एनर्जी इंस्टॉलेशन। तो इंक्रीज हुई है, तकरीबन 11 टाइम्स इंक्रीज हुआ है जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स।